श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश की बदहाली दिन ब दिन और बढ़ रही है। मेरठ गैंगरेप की आज अभी ठंडी भी नहीं पड़ी है कि बस्ती में एक नाबालिग से हैवानियत हुई। हैवानों ने बलात्कार के बाद नाबालिग के हाथ और पैर की उंगलियां काट ली। उधर मेरठ गैंगरेप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर है। कब संभलेगा उत्तर प्रदेश? यूपी में कब थमेगी दरिंदगी? मेरठ में मदरसे के हाफिज और 4 अन्य की दरिंदगी की गुत्थी पुलिस सुलझा ही रही है कि बस्ती में दहलाने वाला वाकया सामने आया है। वाल्टर नगर थाने के एक गांव में नाबालिग का शव गांव के बाहर निर्वस्त्र हालत में मिला। आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसके साथ हैवानियत हुई। लड़की के हाथ पैर की उंगलियां काटी गई हैं और उसके शरीर पर जख्म के गहरे निशान हैं। ऐसी वारदात सोचने पर मजबूर करती है कि यूपी में पुलिस या कानून का कोई खौफ है या नहीं। उधर मेरठ के गैंगरेप मामले में पुलिस की धर पकड़ जारी है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस तरह मेरठ में मदरसे के हाफिज ने मदरसे में ही हिंदी अंग्रेजी पढ़ाने वाली करीब 20 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया, उससे हर कोई सकते में है। FIR में साफ कहा गया है कि धर्म परिवर्तन का फर्जी शपथ पत्र भी बनवाया गया। 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी, उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम। कहाँ कहाँ आप रहे? पहले हाँ बोल रही पहले, फिर उसके बाद में वहाँ पे दो पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में एक वो उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। उसी स्कूल में एक हाफिज भी जो है वो उर्दू पढ़ाते थे। इनको जो है ये बहकाया था इस्लाम धर्म परिवर्तन करने से आपको काफ़ी पैसा और ये सब मिल जाएगा, तो उसके बहकाव में आके फिर उनके साथ ये गई है। मामला सामने आने के बाद मेरठ के खरखौदा में पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। खरखौदा SO को भी लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि गुनहगारों को उनके किए की सजा मिले। बस्ती से मजहर आजाद और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।